आज हम लोग कर रहे हैं बालों को रिफ्रेश। भाई इतनी गर्मी हो रही है, हमारा जो सन है इतना स्ट्रांग है, उसकी जो रेज है हमारे बालों को ड्राई कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, शैम्पू चल रहा है, हमने बालों को अच्छी तरीके से शैम्पू किया। और मैं हमेशा बोलता हूँ शैम्पू रोज करेंगे, और शैम्पू से पहले हम लोग क्या लगाने वाले हैं, तेल बालों के ऊपर। तो कभी भी हमारा जो ऑयल होता है स्कैल्प पे कभी नहीं लगाया जाता, तो हम इसको रिंस करते हैं। रिंस करने के बाद अभी हम लोग करेंगे अच्छी तरह रिंस, थॉरोली रिंस करेंगे, ताकि हमारा जो शैम्पू है बालों में कहीं रहना नहीं चाहिए। और जब भी हम लोग आगे के बालों को शैम्पू करते हैं, आप इसको इस तरीके से लॉक कर लीजिए ताकि हमारा पानी आगे नहीं आएगा। देखा कैसे हम लोग बचाते हैं कि हमारा पानी हमारे आगे फेस पे ना आए। हमने इसको अच्छे तरीके से रिंस किया। सो रिंस करना बहुत जरूरी है, थोरो रिंस करना बहुत जरूरी है अच्छी तरीके से। जब तक हमारा रिंस चल रहा है, मैं लेता हूं 1 लीटर नॉर्मल पानी, मतलब गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं डाल लेता हूं, इसमें मैं डाल लेता हूं 2 चम्मच। देखा इसमें मैं डाल दिया ये नींबू का जूस डाल लिया, और 4-5 ड्रॉप हमारे ऑलिव ऑयल के। ओ हेलो, ये कैसे खुलता भाई, हेलो। हम लोग लेते हैं 4-5 ड्रॉप ले लेते हैं हम लोग ऑलिव ऑयल के। देखा 1, 2, 3, 4, 5। और हमने इसको शेक किया, हमने इसको शेक किया, और तब तक हमारा शैम्पू रिंस हो रहा है। तो मैं इसको यूज कर कब करने वाला हूं, शैम्पू के बाद। हमने सारा पानी निकाल लिया, हमने सारा पानी निकाल लिया, उसके बाद हम इसको रिंस करेंगे फॉर फाइनल रिंस। तो एक तरह का मैंने बालों के ऊपर एक तरह का लेयर डाल दिया, जिसकी वजह से हमारी जो सनरेज होंगी हमारे बालों को डैमेज या ड्राई नहीं करेंगी। हम इसको रिंस कर लेते हैं। देखा हम इसको रिंस कर रहे हैं अच्छे तरीके से, स्पेशली हमारा ये टॉप का जो एरिया है जहां हमारी सनरेज सबसे ज्यादा लगती है, जहां हमारी सबसे ज्यादा लगती हैं। देखा नीचे भी डाल लेते हैं पूरा का पूरा। और मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने नींबू यूज किया था, उसके शायद वो उसके जो बीज हो सकते हैं वो हो सकते हैं, तो मैं इसको कोम कर लेता हूं, मैं इसको कोम कर लेता हूं, ताकि मेरा जितना भी ये जो मैंने जो लिया था नींबू का, उसके जो पतले पतले दाने थे कुछ नजर ना आए। और इसको मैं करूंगा आफ्टर द शैम्पू। देखा पूरा क्लीन हो गया है, पूरा क्लीन हो गया है। देखा मेरे बाल कितने सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। उसके बाद मैं लेता हूं टॉवल, मैं लेता हूं टॉवल, और हम इसको रैप करते हैं नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, हम इसको रैप करते नीचे से ऊपर, और फिर क्या करेंगे, सोक करेंगे। ओके, हमें इसको मसलना नहीं है, ताकि हमारा जितना पानी होगा, हमारे इतना पानी होगा सारा का सारा हमारे टॉवल में आ जाएगा, बिकॉज कभी कभी टॉवल हमारे बालों को डैमेज कर सकता है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, बालों को किया रिफ्रेश किया है, मतलब जब आप बाहर जा रहे हैं धूप के अंदर हमारे बाल ड्राई ना हो जाए। तो मैंने उसके लिए लिया 1 लीटर पानी लिया, मैंने उसके उसमें डाले 2 चम्मच डाले नींबू के जूस के, और 4-5 ड्रॉप मैंने डाला ऑलिव ऑयल, और शैम्पू के बाद यूज करेंगे, आप देखना मेरे बाल फ्रेश होने वाले हैं। सो हम लोगों ने आज कर रहे हैं फ्रेश, कर रहे हैं बालों को, यस फ्रेश कर रहे हैं इस गर्मी के अंदर, यस एंजॉय।